दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप सभी को पता है कि भंडारा गोंदिया लोकसभा उपचुनाव के बिगुल बज चुका है और ये अंतिम चरण में जैसे पार्टियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवार प्रचार में लगे हुए हैं। बीआरएसपी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की भी दावेदारी इसमें मजबूत मानी जा रही है और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय जो लड़त है इसमें देखी जा रही है। बहुजन बीआरएसपी ने अगर बात की जाएगी तो एडवोकेट सुरेश माने के नेतृत्व में राजेश बोर को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी की अगर बात की जाएगी तो बीजेपी की तरफ से भी लड़त है, पटले जी को उम्मीदवारी दी गई है। वही अगर एनसीपी की बात की जाएगी तो जो कुकड़े हैं उनको उम्मीदवारी दी गई है। आज हम इसके पहले भी हमने बात की है एडवोकेट सुरेश माने सर से, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं कहीं बीआरएसपी के उम्मीदवार को लेकर बात करने वाले, राजेश बोरकर को लेकर बात करने वाले, क्यों और एक करने वाले कि आखिर किस एनालिसिस के बेस पर अगर बीआरएसपी ने अगर उम्मीदवार उतारा है तो किस तरह का उम्मीदवार दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भंडारा में एडवोकेट सुरेश माने, सीधे रुख करते हैं उनके और बात करते हैं और जानेंगे इस चुनाव के अभी अंतिम दौर के बारे में। सर जय भीम। जय भीम। सर, जिस तरह से बीआरएसपी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारा है राजेश बोरकर को, अगर कंपेरिजन की अगर बात की जाएगी त्रिकोणीय लड़त की, वैसे तो भारत भी इस मैदान में उतरा हुआ है, अगर इन सारे चारों दलों के अगर तीन दल से अगर एक बीआरएसपी की अगर कंपैरिजन की बात की जाएगी तो क्या कंपैरिजन होगा राजेश बोरकर जी? एक तो चुनाव जो लड़े जाते हैं वो एक पार्टी, पार्टी का एजेंडा और विचारधारा, ये एक अहम मुद्दा होता है और बाद में उम्मीदवार का मुद्दा आता है। उसके साथ साथ पार्टी की लीडरशिप, उसका चरित्र, इसकी भी चर्चा होती है और इसीलिए अंतिम पड़ाव में जब ये भंडारा गोंदिया का जब चुनाव चल रहा है तो ये आपने अच्छा पूछा है कि भाई ये त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस राका का उम्मीदवार है, बीजेपी का है, तो एक अच्छी बात है कि बीजेपी को यहाँ शिवसेना का समर्थन प्राप्त नहीं है और इसलिए बीजेपी का शिवसेना गठबंधन का केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन गोंदिया भंडारा चुनाव में नहीं है, उसका घाटा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जिसका नाम अभी आपने जिक्र किया, आपको याद होगा 2006 में जब यही भंडारा जिले में खैरलांजी दलित कांड हुआ था, बोतमागे दलित कांड हुआ था, सुरेखा वगैरह, और इसमें चारों बेगुनाह दलितों का बेरहमी के साथ मर्डर करवाना, कांड करवाना, उनके घर जमीन को जला देना, ये भयानक कांड हुआ था। और उस कांड के वक्त ये राका राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के जो अभी उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के विधायक रहते वक्त ओरिजिनली वैसे भी कुकड़े जी संघ परिवार से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होने के साथ साथ उन्होंने ये दलित कांड का लगभग एक प्रकार समर्थन करके, दलित अत्याचार का समर्थन करके, यही गोंदिया भंडारा के फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लाखों की जो जनता है उनके भावनाओं को पैरों तले कुचल दिया था, दबाया था और वही कैंडिडेट अब राष्ट्रवादी कांग्रेस का इस चुनाव मैदान में है। बड़ी विटंबना है और दुख की बात है कि ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए जोगेंद्र कवाड़ी जी का फोटो इस्तेमाल होता है, राजेंद्र गवई का फोटो इस्तेमाल होता है, तो एक अपनी एमएलसी बचाने में लगा है, दूसरा एमएलसी मिलाने के लिए लगा है। तो ऐसे लोग जब राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हो गए तो ये अम्बेडकरी आंदोलन के साथ बड़ा धोखा है, ये भी गोंदिया भंडारा और महाराष्ट्र के तमाम लोगों ने, देश के तमाम लोगों ने जानना चाहिए। रही बात बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की, तो आप इंटरव्यू शुरू करने के पहले ही आपके मुंह में बीएसपी आया था क्योंकि हमारी बीएसपी की लंबी इनिंग रह चुकी है, मेरी, मेरे साथियों की, बामसेट के साथियों की काफ़ी लंबी इनिंग रह चुकी है, किसी की 25 साल है, मेरे खुद के 32 से ज़्यादा साल है और बीएसपी में राष्ट्रीय लेवल पे बड़े बड़े जिम्मेदारियां मैंने
महाराष्ट्र में भी ले ली है, देश में ले ली है, कांशीराम साहब के समय भी, मायावती जी के समय भी। लेकिन जब महाराष्ट्र के ऊपर जितना बीएसपी का, खास करके सेंट्रल लीडरशिप का जो फोकस होना चाहिए था वो ना होने के कारण, वैचारिक मतभिन्नता के कारण, लीडरशिप के निर्माण के कारण 2014 में यही गोंदिया भंडारा में एक लोकल बॉडी के चुनाव के कारण बीआरएसपी का निर्माण हुआ। तब से जो हमारा जो आज का उम्मीदवार है राजेश बोरकर, ये भी ओरिजिनली बीएसपी का पदाधिकारी रहा है, प्रदेश का सचिव रहा है। अब हमारा वो प्रदेश का महासचिव है, भंडारा का महामंत्री के साथ साथ प्रभारी है, और ये मूलतः ये लाखनी माने गांव के गांव का है, भंडारा जिले का है। और एक अच्छी बात है कि ये दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो एक तो कुणबी है और एक तो पवार है, और फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन का एक भी उम्मीदवार नहीं है। और यही फायदा बीआरएसपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि भंडारा गोंदिया में बोरकर रामटेके मेश्राम होना एक अपने आप में एसेट है। अब ये बोरकर नाम कुछ समय के लिए लाइबिलिटी थी, अभी हमारे उम्मीदवार को भी लेकर कुछ लोगों ने गंदगी फैलाने की कोशिश की, उसमें कुछ भारिप के भी लोग हैं, कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, संभ्रम निर्माण हो रहा संभ्रम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन वो बोरकर और ये बोरकर, इनका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं, उसका गांव अलग, इसका गांव अलग, रिश्तेदार अलग, सब कुछ अलग। और बाहर के दर्शकों को मैं ये बता दूं कि यहाँ बोरकर माली समाज में भी है, तो बोरकर एससी में भी है, ओबीसी में है, और इसलिए कुछ लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन इसका बल्कि ज़्यादा ही प्रचार हुआ। और बीआरएसपी का कैंडिडेट कौन है ये हमसे ज़्यादा बाकी लोगों ने बताने का काम किया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। दुख तो होता है लेकिन शुक्रिया अदा करने में कोई हर्ष नहीं, इतना दिल बड़ा रखना पड़ता है। तो इस हालत में राजेश बोरकर एक मूवमेंट का साथी है, इस गोंदिया भंडारा का नेटिव है, उसके रिश्ते नाते सगे सोयरे यहाँ के हैं, और वो फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन की पैदाइश है। जबकि भाजपा का जो कैंडिडेट है वो बेचारा भंडारा से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, वो यवतमाल से है, वो नागपुर में रहता है, कब आठवले के साथ घूम चुका है, कई अन्य संगठनों में रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा के खुद भंडारा गोंदिया के लोग ऐसे उम्मीदवार से असंतुष्ट है, नाखुश है, यह सच्चाई है। भले वो खुलेपन से मीडिया के ऊपर सामने आकर कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनकी भावना जानता हूँ क्योंकि मैं उनके लोगों को पहचानता हूँ। और ऐसे हालत में और एक बात है कि एक तरफ बाला साहब अम्बेडकर धनगरों का समर्थन करते हैं और उम्मीदवार उनका आदिवासी है, और आदिवासी में धनगर घुसना चाहता है, तो बीजेपी का जो धनगर वर्सेस आदिवासी झगड़ा लगाने का प्लान है उसमें बाला साहब अम्बेडकर दुर्भाग्य से धनगरों के पक्ष में जाते हैं और आदिवासी के खिलाफ जाते हैं। इसका दुख वो जो उम्मीदवार है भाजपा का उसको भी है, और वो लोगों को बताकर ये दिखा रहा है कि भाई बाला साहब अम्बेडकर पंढरपुर में जाते हैं चुनाव के वक्त, तो हमारे आदिवासी कैसे वोट देंगे। और इस तुलना में मेरे बीआरएसपी का विदर्भ प्रदेश का आदिवासी ही विदर्भ प्रदेश का अध्यक्ष है, दशरथ मढावी, ये पूर्व बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, साहित्यिक है, लेखक है, उसकी छवि अच्छी है, बिरसा क्रांति दल आदिवासी का उनका संगठन है, और ऐसे ये हमारे बीआरएसपी के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये कई मौके के ऊपर कई एंगल से इन तीनों उम्मीदवारों में, चाहे वो राका का उम्मीदवार हो, और बीजेपी की मैं बात करूँ ना तो वो ठीक ही रहेगी, क्योंकि राका का उम्मीदवार वैसे भी बीजेपी के बी टीम के नाम से चुनाव लड़ रहा है, वैसे मैदान में है ही नहीं है, क्योंकि असलियत है कि प्रफुल्ल पटेल अपना 2019 का जुगाड़ चुराने में लगे हैं, और इसलिए वो नहीं चाहते कि अभी कोई उम्मीदवार वहां से जीते, तो इसलिए टेम्पररी उम्मीदवार डाला है। और इसलिए हम कहते कि, और कांग्रेस वाले भी ज्यादा चुनाव प्रचार में दिखते नहीं है, और इसलिए हमें बीआरएसपी को सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ भिड़ने का मौका है। और उस हाँ साधनों की कमी है, मर्यादा है, मीडिया का उतना बड़ा पैमाने पे साथ नहीं होता, हम कोई धन्ना सेठ के लोग तो है ही नहीं, और बीजेपी तो धन्ना सेठों की ही पार्टी है,
तो एक तरफ धन्ना शेट्टी की पार्टी है और हम निर्धन समाज के लोगों की लड़ाई उनके साथ है, फिर भी लड़ने में मज़ा आता है, कोई दुख नहीं होता और भरोसा रहता है कि ऐसी लड़ाई बाबा साहब ने की है, ऐसी लड़ाई कांशीराम साहब ने की है। तो मुझे लगता है कि यही लड़ाई हम लोगों ने आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग ईमानदारी से बढ़ा रहे हैं। सर बात की जाएगी, जब बात निकली है बीएसपी की, तो बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जिस चुनाव में उनको उम्मीदवार देना था उस चुनाव में उम्मीदवार नहीं दिया गया, ये भी लोगों में एक असंतुष्टता है। कहीं ना कहीं बीएसपी का रोल इस चुनाव में सवाल खड़े करता है। उनके जो कोई कार्यकर्ता है वो अपक्ष के तौर पर खड़े हैं, अगर अजब शास्त्री की अगर बात की जाएगी तो। आप भी बीएसपी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, बामसेप का आपने काम किया, क्या भूमिका लगती है आपकी बीएसपी की? और अगर बीएसपी अगर किसी को सपोर्ट देगी तो क्या बीआरएसपी को बीएसपी के वोट मिल पाएगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा चेहरा रह चुके हैं, ये एक उम्मीद जताई जा रही है। जरूर बीएसपी के किसी को समर्थन नहीं है, सच्चाई है। और वैसे भी मायावती जी का फॉर्मूला है, बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उन्होंने यूपी में भी नहीं लड़े हैं, लेकिन यूपी का नियम और राज्यों के नियम में थोड़ा अंतर है और इसलिए उन्होंने यहाँ भी चुनाव नहीं लड़ाया, सच्ची है। और इसका फायदा ज़रूर बीआरएसपी को होगा ही, क्योंकि आज भी मेरे द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग आज भी बीएसपी के पदों पे हैं, कई और पदों पे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के बीएसपी के वर्करों के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है, बीआरएसपी ना बनाते वक्त था ना आज है। मतभेद है सेंट्रल लीडरशिप को, महाराष्ट्र के राज्य को लेकर जो प्राथमिकता और नीतियाँ होनी चाहिए उस नीतियों को लेकर मतभेद है। विरोध भी मैंने कहता, मतभेद होता है, स्ट्रैटेजी के बारे में मतभेद होता है, क्योंकि मैं जितना महाराष्ट्र के डीप रूटेड पॉलिटिक्स को जान रहा हूँ, कई सालों से जान रहा हूँ, तो सही ढंग की अगर पॉलिसी नीति अपनाई जाए, स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी फ्रूटफुल भूमि है फुले शाह अम्बेडकरी बहुजन आंदोलन के लिए। लेकिन वो प्रयास जब ऊपर से नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने कदम उठाया था, और इसीलिए बीएसपी के कई साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन दे रहे, काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो वोट डालेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको वोट डालना ये एक आदत बन चुकी है, तो ज़रूर वो वोट डालेंगे। रही बात दूसरी की, जो 90% बीएसपी के जो लोग हैं इस क्षेत्र के, वो बीआरएसपी में हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। और जो भी चुनाव लड़े, जैसे गाढ़वे परिवार है जो चुनाव लड़ा था, या जिनको 46,000 वोट पड़े थे मेरे मार्गदर्शन में असेंबली के समय, या 31,000 डॉक्टर गणवीर को पड़ा था साकोले में, या नामदेव ठाकरे जैसे लोगों को 18,000 पड़ा था, या गोंदी में पड़ा था, तो ये सारे लोग अब बीआरएसपी के साथ है, सारे लोग जी जान से बीआरएसपी के साथ लगे हैं, और इसीलिए ये पूरे वोटों का फायदा बीआरएसपी के पक्ष में जाएगा और बीआरएसपी एक बड़ी ताकत बनकर चुनौती देगी। बीजेपी की हम यहाँ पर सर बात करेंगे कि बीजेपी यहाँ की रूलिंग पार्टी रही हुई है, नाना पटोले ने जब पार्टी छोड़ी उसके बाद में ये सारे चुनाव हो रहे हैं, बीआरएसपी की मुख्य भूमिका रही चुनाव लड़ाने के लिए, आपने इसके पहले भी इंटरव्यू में कहा है। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है एक उपचुनाव के लिए, बड़े बड़े जो मंत्री है, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आके गए और कई बड़े नेता लोग यहाँ पर आए हुए, एक तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। सीधी फाइट के तौर पर अगर बीआरएसपी की अगर बात की जाएगी तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी से सीधी सीधी फाइट है? और बीआरएसपी अगर जिस तरह से अभी लोगों के तरफ जा रही, कैंपेनिंग में जा रही, तो किस तरह से लोगों का रुझान बीएसपी के बीजेपी से हटाकर बीआरएसपी की तरफ आप लाएंगे? ये आपने कहा वो सही बात है कि बीजेपी सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में अब बैकफुट पे है, खास करके कर्नाटक चुनाव के बाद। गुजरात में उन्होंने कैसे तो मैनेज कर लिया एनसीपी के सहारे, लेकिन कर्नाटक में उनका जो समीकरण बनना चाहिए था वो नहीं बन पाने के कारण, और सारा देश का विपक्ष इकट्ठा होने के कारण बीजेपी बैकफुट पे है। ऐसे हालत में उत्तर प्रदेश में उन्होंने दो तीन बाई इलेक्शन हारे हैं, अब इसी अपने बाई इलेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश में भी कैराना का बाई इलेक्शन है, वहाँ भी बीजेपी की प्रतिष्ठा लगी है, और महाराष्ट्र में जो दो लोकसभा की सीटें हैं
तो उत्तर प्रदेश के योगी जैसे वहां के सीएम को यहाँ के पालघर में चुनाव प्रचार करना पड़ता, वैसे ही यहाँ गोंदिया भंडारा में गडकरी है, फडणवीस है, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है और अन्य नेता हैं, ये सारे क्षेत्र में डटे हैं। क्योंकि ऐसे छोटे मोटे चुनाव ये 2019 की बिछात बिछाने के लिए काम आते हैं। हम भी जो अपनी ताकत अभी आजमा रहे हैं वो भी हम 2019 की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। राजनीति के समझदार लोग समझते हैं कि आगे क्या रणनीति होगी। तो बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि हम, हमारी लोकप्रियता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, भले नौकरियां नहीं दी हो, भले काला धन वापस नहीं आया, भले उन्होंने विदर्भ राज्य का निर्माण नहीं किया, किसानों की आत्महत्या नहीं रोकी, फिर भी हम आउट नहीं हुए हैं। तो नॉट आउट की पोजीशन में नहीं है, अभी भी फील्ड में हैं, डटे हैं। इस तरह का मैसेज देने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगाई है। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ कि एक तो वोटिंग बाय इलेक्शन में बहुत कम होती है, वोटर बाहर कम निकलता है, और गोंदिया भंडारों में तो 46-47 डिग्री टेम्परेचर होता है, अभी भी है। तो ऐसी हालत में वोटर भी थोड़ा एक मायूस होकर वोटिंग करता है, ये भी बीजेपी को एक बड़ा डर सताता होगा। तो ऐसे हालत में हमारे जैसे पार्टी होती है, हमारी पार्टी कोई बड़ी या पुरानी पार्टी नहीं है, 3 साल भी नहीं पूरे हुए, 2.5 साल तो पूरे हुए, लेकिन सीधे सीधे टक्कर के रूप में जब भाजपा के खिलाफ खड़ी होती है, तो मैं मानता हूँ कि जो फुलेश अम्बेडकर का जो सच्चा सिपाही है उसका सीना कम से कम थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। क्योंकि अम्बेडकरी आंदोलन में आज तक जो पिछले 20 साल में पर्व चले हैं वो समझौते के पर्व है, महाराष्ट्र में खास करके समझौते के पर्व है। और मैंने जब BRSP बनाई या हम लोगों ने जो बनाई, तब से हमारा ये कोशिश है कि कांशीराम जी के मुताबिक जिनके साथ संघर्ष करना है उनके साथ कोई समझौता नहीं करना है, कोई समझौता नहीं करना है। और इसीलिए प्रखर भूमिका, यही तो हमारी और प्रकाश अम्बेडकर जी की भूमिका में फर्क है। प्रकाश अम्बेडकर जी की भूमिका क्या है कि कांग्रेस ने मुझे पूछना चाहिए तो मैं कांग्रेस का साथ दूंगा, कांग्रेस ये पटोले को उम्मीदवार देंगे तो मैं उसका साथ दूंगा। वैसे पटोले भी खैरलाल जी कांड के समय में वो कहाँ दलितों के पक्ष में खड़े हुए थे, वो तो दलितों के विरोध में ही खड़े हुए थे। इसलिए मैं कल भी मायावती के बारे में भी कहा कि भाई सपा के साथ गठबंधन होना ये पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बिल पार्लियामेंट में के सपा के ही लोगों ने फाड़े हैं, या जो अंबेडकर स्मारक एक बहुत बड़ी बुनियाद बनाई है, बेमिसाल एग्जाम्पल है लखनऊ का, लेकिन उसको सपा वालों ने अय्याशी का अड्डा कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, मुलायम सिंह यादव ने एक बार इनको टाइपिस्ट कहा, ये क्लर्कों का काम किया बाबा साहब ने। तो ये क्या राजनीतिक सत्ता के लिए मुद्दे हम भूल जाएंगे, क्या इसको समझौता करके हमें राजनीतिक सत्ता चाहिए? तो ऐसे राजनीतिक सत्ता लेकर ना मायावती परिवर्तन कर सकती है, ना प्रकाश अम्बेडकर जी कर सकते। इसीलिए BRSP ने भारतीय महाराष्ट्र के राजनीति में एक नया तरह का अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का मॉडल बिल्डअप करने की कोशिश की है, हुआ तो नहीं है, हम कर रहे हैं। और इस मॉडल के माध्यम से एक एग्रेसिव स्ट्रगल, एक आक्रमणकारी संघर्ष किस तरह से होता है, उस संघर्ष की परिभाषा अगर हम स्पष्ट करें तो चुनाव में भी लोगों को समझने में आसानी होती है। और यही कोशिश इस चुनाव अभियान के समय में सीधा सीधा हमने कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी के ऊपर हमला किया है, उनके नाकामी को लोगों के वोटरों के सामने रखा है। उन्होंने विकास के नाम पे जितने झूठे ढोल पीटे हैं देश भर में, वही गोंदिया के भंडारा के लोगों ने देखा है। ना फ्लाईओवर बनता है, ना धान को मूल्य मिलता है, ना दूध को मूल्य मिलता है, ना हमारे ये जो ढीवर समाज के लोग जिसको तालाबों का जिला कहता है, वो तालाबों के ऊपर डिपेंड करने वाले मच्छीमार लोग होते हैं, कौन सी समस्या सुलझाई है? और ऐसे हालत में कुछ अदनी अंबानी के प्रोजेक्ट लाना, उनकी खुशहाली करना, लेकिन गरीब किसानों की जमीन लेकर उनको कौड़ी के भाव में देना, ये कोई विकास का मॉडल नहीं है, इनके विकास के मॉडल के खोखले हैं। अब हम लोगों से ऐसे पूछे कि हम अम्बेडकराइट विकास का मॉडल क्या होता है तो समय आने पर बता देंगे। वैसे भी मैंने कहा कि किसानों को पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, किसान लवाद बनना चाहिए,
न्यूनतम जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कोई अमल नहीं है महाराष्ट्र सरकार का या कंपोनेंट प्लान का, ये सीधी बातें हैं। तो ऐसे मौके पर हम सीधे सीधे बीजेपी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 4 साल का फडणवीस का सरकार और 4.5 साल का मोदी का सरकार, ये दोनों सरकार की नाकामी भी और गोंदिया भंडारा के लोगों के साथ वादा खिलाफी जो इन्होंने की है वो हम सीधे सीधे सटीक रूप से लोगों के सामने रखते हैं, ना कोई नकारात्मक ना निगेटिव या नकारात्मक कैंपेन चलाते हैं। सवाल सर, जनता ये पूछ रही कि 1954 का अगर बाबा साहब का बदला अगर लेना है, क्या बीआरएसपी से उम्मीद कर सकते हैं कि बीआरएसपी बाबा साहब के उस बदले को लेकर रहेगी? मेरा ये मानना है कि 1954 की याद बार बार दिलाने के बजाय वो बाबा साहब की राजनीतिक हार है, लेकिन बाबा साहब की सामाजिक और संविधानात्मक जीत बहुत बड़ी है। हम ये छोटी हार के सामने ये बड़ी बाबा साहब की कामयाबी और जीत क्यों न गिनाए, और इसलिए बीआरएसपी ने शुरू से कहा है कि भाई बीआरएसपी का चुनाव लड़ना ये कोई बाबा साहब के उसके बदला लेने का मामला नहीं, बदला लेंगे तो और बड़ा लेंगे, लेकिन बाबा साहब की संविधानिक तौर पर और सामाजिक बदलाव के आंदोलन पर जितनी बड़ी भारी जीत है उस जीत को कोई हरा नहीं सकता, तो उस जीत के सामने ये छोटी सी जीत है और इसलिए मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करता। और वैसे यहाँ की जीत जीत तो फिर वो हार के साथ तो बॉम्बे की भी हार है, लेकिन इन छोटों मुद्दों के ऊपर अगर हम उलझते रहे, हमारे दुश्मन लोग विरोधी लोग चाहेंगे कि हम इसी में उलझे रहें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालने का काम करें। मुझे नहीं लगता बाला साहब अम्बेडकर भी ये मुद्दा बनाकर ही कई चुनाव लड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा अभी कोई मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि 1954 की ना वोटरों की पीढ़ी है, आज आज का जो नया यंग वोटर है उसको पता भी नहीं बेचारा कौन था वो और क्या हुआ था 54 में। और लेकिन एक बात है कि बाबा साहब को मानने वाले पुराने लोग इस क्षेत्र में हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप तो जानते हो कि भाई मनोहर लाल पटेल ये कांग्रेस के नेता थे, राष्ट्रवादी प्रफुल्ल पटेल के पिताजी है, तो क्या कवाड़े उनका साथ देता है, क्या वो सही है, गवई साथ देते हैं उनका सही है, तो ये तो सवाल जो बुजुर्ग पीढ़ी है उन्होंने सोचना चाहिए और उन्होंने सोचकर अपने बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए कि भाई यहाँ बाबा साहब को फलाने फलाने व्यक्ति ने चुनाव हराया था और इसके कारण आपको भी उनके खिलाफ होना चाहिए। ये बुजुर्ग का काम बुजुर्ग अगर इस क्षेत्र में करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम उतना बड़ा भारी योगदान गोंदिया भंडारा के हमारे बुजुर्ग अम्बेडकरवादी साथियों की फौज है वो देंगे, और नई पीढ़ी एक नई फ्रेश इनिंग शुरू करती है, तो नई फ्रेश इनिंग बीआरएसपी के माध्यम से हम करते वक्त बाबा साहब की बाकी सारी जो ब्राइटर पॉजिटिव साइड है उसको लोगों के सामने रखते हैं। जैसे किसान लवाद की बात हो, भारतीय संविधान के 323B के अंतर्गत आती है, अब 323B कोई पढ़ेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग तो हैं नहीं, वो भी बाबा साहब के सोच का परिणाम है, या सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पेंशन योजना है ये भी बाबा साहब के सोच का परिणाम है। तो बाबा साहब की बहुत से सारी उपलब्धियाँ हैं जिसको हम गिना सकते हैं, और उसके सामने ये छोटी बातों का जिक्र करके इतना बड़ा बाबा साहब का बड़ा मूल्यांकन हम छोटा करने की कोशिश ना करें तो बहुत अच्छा है। ये थे बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने सर, जिन्होंने साफ शब्दों में अपनी बीआरएसपी के उम्मीदवार की व्याख्या की और खासतौर पर बताया कि किस आधार पर राजेश बोरकर को मैदान में उतारा गया है, और अगर बात की जाएगी अन्य उम्मीदवारों की तो उनसे भी कंपैरिजन जब किया गया तो कहीं न कहीं राजेश बोरकर एक ऐसे कार्यकर्ता दिखे जो बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे चल रहे, शाहू फुले अम्बेडकर को मिशन को आगे लेकर चल रहे, और बीआरएसपी की अगर इसकी अगर चुनाव की अगर बात की जाए तो बीआरएसपी की सीधी टक्कर उन्होंने बताई कि भारतीय जनता पार्टी से, एक तरह से धन शक्ति और जन शक्ति की लड़ाई बताई, लेकिन जनता जरूर बीआरएसपी का साथ देगी, ऐसी शुभकामनाएं हमारी बीआरएसपी के उम्मीदवार राजेश बोरकर और एडवोकेट सुरेश माने को है, और यही हम इस चीज को समाप्त करते हैं। कैमरामैन रूपेश गावंडे के साथ मुकेश एड़ो, लॉर्ड बुद्धा टीवी, भंडारा।